हेलो फ्रेंड्स, आज भिडे आपन एमती गोटे टिप्स विषय में जानवे जहाँ को फॉलो करने द्वारा आपणकर समस्त प्रकार पेटर समस्या दूर हो पार जदि कौन ओकेजन भी आपड़ किसी एमती खाई दौंस स्पाइसी खाइले ऑयल फूड किसी खाइले तेब से सबको हजम करार ताकत रखी ए टिप्स तेज चलत जाणी कौन से टिप्स केमी आपण मैंने फॉलो करेंगे केमी यह आपको बेनिफिट्स दे पारे जदि एपर्तंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना फर्स्ट सब्सक्राइब कर दिंतु यह सहित बेल आइकन को प्रेस करदे जहाद्वारा कि मोर आगक आसुवा यहीपरी हेल्थ वीडियोस आपने देखिपारे। फ्रेंड्स, जदि आपणकर पेट सुस्थ तो आपण बॉडी भी सुस्थ आपण बॉडीर ठीक मझेरे रही है आपणकर पेट आपण पेटर एमती सब वाइटल ऑर्गन्स अच्छी जहाद्वारा आपण बचाटा संभव होता है और आपणकर बॉडीर चलन प्रचलनटा संभव होता है कारण आपण जहाँ भी खाइबे से सबक हजम करके न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करार कामटा रही है आपण पेटर थी वाइटल ऑर्गन्स जमीक स्टमक रही जमीक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ए सबूर काम है आपण खाद्य को ठीक भाव हजम करवा से न्यूट्रिएंट्स सब आपण बॉडी ऑब्जर्व करवा कि देखूँ जहाँ भी आपण मैंने खाऊँ जदि आप बॉडी रे ठीक भाव से न्यूट्रिएंट्स ही ऑब्जर्व हेनी तेज आप जहाँ भी खाइबे तार किसी मूल्य ही रहबनी सबुबले गोटे कथा कहा जाए जे आपण मैंने बचापी खाइबे केवेहले खाइबापी बचे कि बचापी आपण मैंने जहाँ भी खाइबे से सब खाद्यर न्यूट्रिएंट्स भी तो ठीक भाव में आपण बॉडी ऑब्जर्व हवा दरकार तो से आपंकर हजम शक्ति भी ठीक भाव में रहा दरकार आपणकर जो हजम प्रक्रिया रही जी ठीक न रपणकर ठीक भाव में खाद्य हजम हो पारे ना से खाद्यर न्यूट्रिएंट्स आउ आप बॉडी मिसी पार तेज आपट भी आपण बॉडी गोटे इंडिकेटर भाई कम कै सब ये मन रखु जितेबले भी आपण बॉडी जेकोसी अंगे कौन खराब भी आसे तो इंडिकेटर भाव में आपण पेट से दर्शेदेव सांगे सांगे दर्शेदेव जो आपण बॉडी किसी गोटे खराबी हो जाद्वारा आपण को इंडिकेसन मिलला सब बड़े मन रखु जदि आपण पेटर कौन सी अंग प्रत्यंग खराब रोचे आपणकर लिभर कौन प्रोब्लम है आपणकर किडनी कौन प्रोब्लम है आपणकर लंग्स कौन प्रोब्लम रोचे जहाँ भी वाइटल ऑर्गन्स आपणकर किसी भी खराब होती तेज इंडिकेटर फर्स्ट आपण को आपणकर खाद्य हजम प्रक्रिया ही जनदेव आपण खाद्य हजम हेनी आपण को विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम हो पारे जमीक गैस एसिडिटी भली समस्या आपन को हो पारे तो यह समस्या जदि आप देखुं एवं विभिन्न प्रकार आप टेस्ट कर सारे मेडिसिन खाऊँ कि भी आपन को लाभ हो तेज निहाती भाव में आपणकर कौन प्रकार ऑर्गन रे खराबी आउर आपने बुझीनियंतु जो आपंक पेट और आपणकर डाइजेस्टिव सिस्टम आपन को गोटे इंडिकेटर भाई काम दिए जेकोसी खराबी फर्स्ट इंडिकेसन आपन को आप हजम शक्ति ही मिल जाकर हजम शक्ति ठीक भाव में कम करेनि तेज आपण टॉयलेट भी क्लीयर हम आपण माने सकाळे टॉयलेट तो जिबे किंतु से सब ठीक भाव में क्लीयर न होबारु आपण को लागिबो पुणी आउ थरे जिबाकु लागुची आपण को पेट फुल परी लागिबा आपण को किछि भी कंफर्ट लागिबानी किंतु जदि से स्थान रे आपण को पेटटा पूरा क्लीयर हो जाउची एका थरे के क्लीयर हो जाउची थरे मात्र टॉयलेट गले आपण को बेसी समय बसिबाकु पडिलानी आपण को पेट क्लीयर हो गला तो आपण को केते कंफर्ट लागिबा आपण को बहुत हल्का भी फ्री हबो दिन सारा आपण को एनर्जेटिक भी फील हबो किंतु जदि से स्थान रे आपण को पेट टाइट लागिबो फुल लागिबो तबे केबे भी आपण को एनर्जेटिक फील हेनी आपण को सब बड़े हालिया हालिया पर लगे तेज एमती कहीं हुए यही सबुपाई दायी आपणकर निजर लाइफ स्टाइल आपणकर हजम शक्ति सब बड़े डिपेंड करुच्छे आपणकर लाइफ स्टाइल उपर देखूँ मुझे केवल आ गोटे रियालीटी कथ कहे मो घरे मो जे फादर इन लॉ अच्छा तो एबे एज हो गला 90 प्लस कथा मुझे जी कह तेज 90 प्लस एज रे भी एबे भी कौन सी प्रकार प्रॉब्लम सेमती ना जमीक डायबिटीज होगा हाई बीपी होगा कोलेस्ट्रॉल ये सब कौन सी प्रकार प्रॉब्लम वर्तमान पर्यंत ना आपण मैने भावतु जे सी केज हो गला 90 प्लस एज्रेले कि हाथ गोड़ ठीक भाव चलप्रचल करुच्चे कि अलग कम न करुले भी किज नित्यकर्म निजे करमी संभव हो कारण तर जो लाइफ स्टाइल रही छोट बेलू तो से लाइफ स्टाइलटा ही एमती किसी रही जो थे कि एत एज हाँपर भी से बहुत एनर्जेटिक फिल करोचे कौन से लाइफ स्टाइलटा से ठीक समय रे खाइबा मो फादर इन लॉ सका छा बेले ही ब्रेकफास्ट स्टार्ट हुए सका छटा हेले से ब्रेकफास्ट निहाती भाव करेंगे जमीती भी जहाँ भी हो जाऊ कि सका छटा बेले से ब्रेकफास्ट करेंगे तापर दिन बारटा आगुरु से लंच करेंगे दिन बारटा पूर्व से लंच करेंगे बंच टाइम रे भी किछना किछि से खाई थांती
जदि किछि भी नाही तबे गोटे कप चा से पी दियंती। एट चाटा को से छाड़ी पारंदे नाही, चाटा को पी दियंती, किंतु 12टा पूर्वरु तांको लंचटा दरकार। आ संध्या 4टा रु 5टा भितरे भी तांको किछि ना किछि स्नैक्स दरकार, तो स्नैक्स ही खाई थांती। किंतु डिनर टाइम से सबु बेले तांकर 7टा किंबा 8टा भितरे ही रखंती। शीत ऋतुरे विशेष करि 7टा पूर्वरु से डिनर करि नियंती, एवं ग्रीष्म ऋतुरे 8टा पूर्वरु डिनर तांकर सरि जाय थाए। केबे भी तांकर राती खाइबा लेट हुएनी, केबे भी तांकर ब्रेकफास्ट टाइम लेट हुएनी, एवं लंच टाइम सबुबेले तांकर 12टा पूर्वरु ही रही थाए। तेबे ए जो लाइफस्टाइलटा तांकर रहिला पूरा लाइफ टाइम पर्यंत, ए लाइफस्टाइलटा से मेंटेन करके रखिले। जदि ए लाइफस्टाइलटा सी मेंटेन करके रखिले तो सेथिपाई तांकु तार बेनिफिट भी मिलिला। बेनिफिट कौन जे ए पर्यंत 90+ एज हो गले, ए पर्यंत ना तांकर कोनोसी हाई बीपी रो समस्या अछि, ना तांकर डायबिटीज अछि, ना कोलेस्ट्रोल अछि, ना अन्य कोनोसी प्रकार समस्या अछि। एवं जेहेतु तांकर एज एते अधिक हो गले तेबे हाथ गोड़ तांकर शिथिल पड़ गला, एनर्जी टिके कमी आसिले, किंतु मु भाबुछि जे 90+ एज रे सीए जी एनर्जेटिक फिल करुँचा नित्यकर्म निजे करें, तो एबिकार समय 90+ एज पर्यंत जीवा भी जड़े जड़े व्यक्ति मुस्किल हो जाए। एबे देखा जा 50+ एज रे ही किंबा 40+ एज रे ही विभिन्न प्रकार समस्या देखा जाउची, जेंते कि डायबिटीज, कोलेस्ट्रोल, आंठूगंठी जनित समस्या। किंतु मो फादर इन लॉ करे एबे भी कोनोसी प्रकार समस्या बाहरी नाही किंबा आगो को भी बाहरी बोली मते काही लागो नाही। किंतु एथरो आपण माने अनुमान करिपारुथेबे जे आपणकर लाइफस्टाइलटा आपणकर हजम प्रक्रिया को केते मात्रा रे इफेक्ट पकाए, एवं आपणकर बॉडी रो ऑर्गन्स को केते मात्रा रे ठीक रखे। सेथिपाई फ्रेंड्स आपण माने सबु बेले चेष्टा करंतु ब्रेकफास्ट को ठीक टाइम रे खाइबे, जल्दी खाइबे, लंच को मध्ये आपण माने ठीक टाइम रे खाइबे, इवनिंग रे किछि ना किछि स्नैक्स आपण माने खाइबे, ऑयली फूड को अवॉइड करिबे। जदि केते बेले केमिति आपणकर ऑयली फूड खाइबा को इच्छा होची तो आपण माने खाइ परिबे, आउ रात्रि रे खाइबा को जल्दी खाइबा को चेष्टा करिबे। एबे चलंतु जानिबा कोन से टिप्स जोथिरे कि आपणकर पेटर समस्या दूर हे परिबा, आपणकर हजम शक्ति ठीक भाबरे चली परिबो। आपण माने सकाळु उठिबे, सकाळु आपण माने फ्रेश हे सारिबा परे एक ग्लास उषुम पानी को पीबे। एक ग्लास उषुम पानी को पीबा द्वारा आपनको बहुत सारा बेनिफिट मिल पारिबो। कोन बेनिफिट मिलिबो मु आगो को ए वीडियो रे आपनको कहिबे, किंतु दिन को दुई थर आपनको ए काम करिवार अछि। सकाळे आपन स्टार्टिंग रे दिन रा आरंभ रे एक ग्लास उषुम पानी पीले सेथिरे आपन लेंबू भी चिपड़ी पारंदे, सेथिरे आपन हनी भी मिसै पारंदे। किंतु लेंबू एवं हनी जदि आपन माने पीबा को न चाहौचंती सेथिरे तबे केवल नॉर्मल उषुम पानी को आपन माने पियंतु। आउ ए काम को आपन माने राती रे भी करिवे सोइबार ठीक पूर्वरु, किंतु दिन सारा भितर आपण माने नॉर्मल वाटर को पीबे, जोटा कि नॉर्मल टेम्परेचर वाटर, ना बेसी थंडा ना बेसी गरम। अनेक व्यक्ति एमिति भी कहंती जे दिन सारा आपण माने 5-6 थर उषुम पानी किंबा गरम पानी पियंतु, किंतु आपण माने जदि एते अधिक गरम पानी पीबे तो आपणको पेट गरम हो जिवार चांसेस अछि, जोथिरे कि आपणको उल्टा बदहजमी हो जिव, गैस रो समस्या हो जिव। तेणु आपण माने एमिति आदो भी करिवेनी, केवल दिन को दुई थर आपण माने पीबे। सकाळे आपण थरे गोटे ग्लास उषुम पानी पीले नेक्स्ट आपण माने रातिरे सोइबा पूर्वरु पीबे। एई जो काम करिबा द्वारा आपणकर खाद्य ठीक भाव में हजम हेब, जहाँ भी आपण माने तेल मसला राग खाई सी ठीक भाव में हजम हाँ को लगे, और गैस एसिडिटी भली समस्या आपणकर हाउ हम। सब गोटे बड़ कथा एथिरे जे आपणकर पेट सकाळे क्लीयर हो पार, जो पेट प्रॉब्लम आपणकर होची, कोष्ठकाठिन्य आपणकर रहउची, टॉयलेट आपणकर क्लीयर होनी, जो थे कि आपणको एनर्जेटिक फील हो पारुनी। ए टिप्स को फॉलो करिबा द्वारा आपणको पेट ठीक भाव में क्लीयर भी हो पार, और खाद्य भी ठीक भाव में आपणकर हजम हेब। ओकेजनाली जदि आपण माने बाहर किछि भी स्पाइसी फूड खाउचंती, तेल मसला रागजुक्त खाद्य खाउचंती, घरे आपण माने किछि ऑयली फूड छणा छणी करिकि खाइले, किंबा गुरुपाक जनित खाद्य जेमिति कि आपण माने पनीर खाइले, जेमिति कि माछ मांस अंडा ए सब हेला गुरुपाक खाद्य, त एभली खाद्य जेउ दिन भी आपण माने खाउचंती खाइबार अध घंटा परे आपण माने उषुम पानी एक ग्लास पी देबे। सब बेले पीबे बोली मु कहुनी, मन रखंतु आपण को एतिके बुझिबा को पड़िबा। जति भी कोनसे प्रकार कन्फ्यूजन रहुची तबे आपण माने मते कमेंट सेक्शन रे जणाई परिबे। सकाळे आपण उठिबे तो फ्रेश हे सारिबा परे एक ग्लास उषुम पानी आपण डेली एहाकु अभ्यास करंतु, डेली पीबे एटा। राती रे ठीक सोइबा पूर्वर भी आपण माने डेली पीबे, किंतु जे ओकेजन कथा कहिली जे आपण माने जे दिन स्पाइसी फूड खाउचंती, जे दिन बाहर किछि भुजी भात आपण माने खाइ देले, किमा गुरुपाक जनित खाद्य आपण माने घरे किछि खाइ ले, किंबा छणा छणी किछि खाइ ले, तो ता से खाइबार अध घंटा परे ही आपण माने एक ग्लास उषुम पानी पीबे। जो थरे कोन हबो आपण जे ऑयली फूड खाइथिबे, आपण जे स्पाइसी फूड खाइचंती, गुरुपाक जनित खाद्य खाइचंती, से सब ठीक भाबरे हजम हेई पारिबो। ए काम को आपण माने जदि करूचंती
फॉलो करछन्ती तबे आपण माने मन रखंतु जे निश्चित भाबरे आपणकर पेटर समस्या दूर हे पारिबो। ओकेजनली भी जेती आपण माने फीस्ट रे किंबा कोनोसी प्रकार भोजी भात रे किछि भी गुरुपाक जनित खाद्य खाउछन्ती पर दिन आपणको गैस किंबा एसिडिटी रो समस्या हेथाय कॉन्स्टिपेशन रो समस्या हेथाय तो से सब समस्या ए टिप्स को फॉलो करने द्वारा किसी भी रहिबनी किंतु रेगुलरली आपको करने को पड़ा एमती ना जो गोटे दुईटा दिन करदे आपण मैंने सका उषुम पा गोटे ग्लास पीबार अभ्यासटा डेली करूँ। डेली करने द्वारा आपंकर गुड़ाक बेनिफिट आपको मिल पार गोटे तो है आपंकर हजम शक्ति ठीक भाव में चलो ता सहित आपंकर वेट लस हो पार आपंक बडीर मेटाबलीजम बढ़े मेटाबलीजम कौन जहाँ आपंट से सबको एनर्जी कन्वर्ट कर प्रक्रिया को कह जाए मेटाबलीजम तो उषुम पा गोटे ग्लास पीवा द्वारा आपंकर मेटाबॉलिज्म बढ़ी थाए बॉडी इत्ते सारा बेनिफिट्स आपको मिल पार उषुम पा पीवा द्वारा। आउ शीत ऋतु में विशेषकर शीत ऋतु में आपण मैंने राति में शोवा पूर्व उषुम पा एक ग्लास निहाती भाव में पीएं जदि आपने ग्रीष्म ऋतु में न पीवाक चाहूँगी तेज ठीक अच्छे केवल सका पीएं कि शीत ऋतु में आपने स्पेशली राति में शोवा पूर्व उषुम पा एक ग्लास पीएं काहीकि कहूँ कारण शीत ऋतु में आपंकर अधिका फिजिकाल एक्टिविटी न थाए फिजिकाल एक्टिविटी जदि न रही है तेज खाद्यटा भी ठीक भाव में हजम हुए कारण आपंकर जो वाइटल ऑर्गन्स रही से सब एक्टिव हुंती एते शीघ्र तो जदि एक्टिविटी नथिबा आपणकर भी एक्टिविटी नाही तो सेथिरे खाद्यटा ठीक भाव में केमिति हजम हबो सेथि पे आपण माने रातिरे निहाती भाव में ए टिप्स को फॉलो करंतु एवं जहाँ भी आपणको स्पाइसी फूड खाइबा परे कहली ओकेजन खाइबा कथा कहली तो तापर परे निहाती भाव में आपण माने एक ग्लास उषुम पानी पियंतु। जानिले तो फ्रेंड्स ए छोटो टिप्स केवल गोटे ग्लास उषुम पा आपणकर सबू समस्या को दूर करें एमती विभिन्न प्रकार होम रेमेडी रही जहाँ को फॉलो करने द्वारा रेगुलरिटी आपको विभिन्न प्रकार फायदा मिल पार आपणकर पेटर अनेक समस्या दूर हो पार कि आपण मैंने कौन करते एंटासीड गोटे किणी आने खाबार लगे आपण मैंने गैस टैबलेट्स रखुच्चे डेली आपने सका खाली पेटर खाऊँच तो युव आपको आग को जाकि बैड इफेक्ट ही दब कारण से सबुरी विभिन्न प्रकार केमिकल्स आड हो एलोपैथी मेडिसिन मैंने आप सब मन रखुद एलोपैथी मेडिसिन सबुबे साइड इफेक्ट रही एमती ना जे केवल गोटे गैस टैबलेट है कि एंटासीड है तार साइड इफेक्ट ना अच्छी निश्चित भाव में अच्छी किंतु आपन को जदि ये छोटो छोटो होम रेमेडी फॉलो करने द्वारा एत सब फायदा मिल पार्टी तेज आपने अजथारे पचर टा कहीं खर्च करजथारे एत सब साइड इफेक्ट कहीं आपे तो फ्रेंड्स आज वीडियो जदि आपको टिके भी भल लगे लाइक गोटे करदे सेयर करेंगे आपंक सांग पाखक जदि से भी एभली किसी समस्या थी तेबे से भी किसी ना किसी बेनिफिट्स एथुर पाई आज पाई इतिकी।